नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। चलिए देखते हैं कल इंट्रा डे में ट्रेड करने के लिए मैंने बेस्ट 5 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। फ्रेंड्स, कौन कौन से लेवल में ट्रेड करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं, और जैसे आपको पता है कुछ स्टॉक्स में ऑप्शन में भी ट्रेड लेते हैं, तो कल के लिए मैंने सेलेक्ट किया है पुट बाइंग करने के लिए LNT को। क्या लॉजिक हो सकता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, अभी डिटेल वीडियो में समझेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ICICI बैंक से। बेरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है और कंटिन्यू में शॉर्ट अभी और होना चाहिए और डाउन साइड में 890 की तरफ आना चाहिए। डेली चार्ट में अगर आप प्राइस एक्शन पैटर्न देखें यहाँ पर, तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, बेरिश फ्लैग पैटर्न है और कंटिन्यू में शॉर्ट हो सकता है। कल हम लोग सेल कर सकते हैं, बट एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकदम बॉटम में क्लोज किया है, मतलब लास्ट में कंटिन्यू में शॉर्ट हुआ है, मतलब आखिरी तक शॉर्ट हुआ है, तो थोड़ा अपर साइड में मिल जाए ट्रेड तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर ये 910 और 912 के आसपास मिलता है तो ट्रेड हमारा ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा ऊपर से शॉर्ट होगा तो ट्रेड हमारे लिए 900 तक पहला टारगेट और फिर 890 तक का टारगेट मिल सकता है, तो इसमें हमें शॉर्ट अच्छा मिल जाएगा, नज़र रखिएगा, और इसमें 915 के आसपास का एसएल रखना पड़ेगा। तो लेवल देखेंगे, यहाँ पर शॉर्ट मिलेगा तो ठीक है, और अगर मान लो गैप डाउन ओपन होगा तो फिर ट्रेड अवॉइड करेंगे। किसी भी स्टॉक में ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगा तो ट्रेड अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। देखिए, इसे भी शॉर्ट होना चाहिए और जिस तरीके का कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा कैंडल क्यों नहीं आ रहा है, बेरिश कैंडल, हाँ देखिए ये बेरिश कैंडल में है और डाउन साइड में शॉर्ट हो जाना चाहिए लोअर साइड में, अभी इसका ट्रेड डाउन साइड में बड़ा मिल सकता है, तो कल हम लोग इस स्टॉक में शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर ये मॉर्निंग में मिल जाता है तो इसी वे में शॉर्ट हो जाएगा, राइट। देखिए, ICICI बैंक क्योंकि ओवरसोल्ड में भी है और एकदम बॉटम में क्लोज दिया है, इसलिए थोड़ा रिवर्सल में ट्रेड मिलेगा। अगर इसी भाव से मिलता है वेल एंड गुड, थोड़ा ऊपर मिल जाएगा और भी बढ़िया है, ठीक है। तो नजर रखिएगा कि अगर ये ऊपर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर प्री ओपनिंग सेशन में 1245 के आसपास मिल जाता है, 1245 के आसपास मिलता है तो ट्रेड अच्छा होगा, फिर इधर से डाउन साइड में 1230 1220 के आसपास का इंट्राडे में टारगेट मिल सकता है। शॉर्ट होगा यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा है, इसी वे में भी नीचे मिल सकता है, मतलब 1235 से भी शॉर्ट हो सकता है, तो 1235 से शॉर्ट करें तो 1245 कैसे रखें, और अगर 1245 के आसपास ओपन होता है, पहले ऊपर जाता है, तो इसी इसी लेवल में शॉर्ट करेंगे और 1255 के एसएल डालेंगे, तो इस स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड होगा, डाउन साइड का ट्रेड अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है एशियन पेंट, इसका ट्रेड ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, देखिए अगर आप देखें यहाँ से ट्रेंड, तो ये कंटिन्यू में ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, बट ये ट्रेंड अच्छा नहीं था, हायर साइड में जा रहा था। ओके, अब इसे डाउन साइड आना चाहिए और लोअर लेवल में इधर का ट्रेड हो सकता है, मतलब 3050 की तरफ इसे गिरना चाहिए। ओके, तो कल हम लोग इसी स्टॉक में शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा, देखिए मैं 15 मिनट के चार्ट कर देता हूँ ताकि कैंडल अच्छे से दिखे। ओके, तो थोड़ा सा ऊपर से शॉर्ट करेंगे, पहले तो हम लोग एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस लो के बिलो, तो इस लो के बिलो सेल होगा। ओके, थोड़ा ऊपर खुल जाता है वेल एंड गुड, और अगर इसी वे में नीचे जाता है तो यहाँ से भी हम लोग शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। शॉर्ट होगा 3115 के बिलो, 3115 के बिलो सेल होगा, स्टॉप लॉस हम लोग इस रेंज का रखेंगे, मतलब 3130 के आसपास के सेल डालेंगे, 15 पॉइंट के सेल। अगर यहाँ पर कोई इनसाइड पैटर्न बन जाता है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। इनसाइड का लॉजिक आप समझ गए होंगे, 5 मिनट के कैंडल में इनसाइड पैटर्न में कल बहुत सारे स्टॉक शॉर्ट हो सकते हैं, नजर रखिएगा, 5 मिनट में भी इनसाइड हो सकते हैं, 15 मिनट में भी इनसाइड हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि आखिरी तक मार्केट गिरा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मार्केट ऊपर जाएगा या पॉज लेगा तो इनसाइड पैटर्न बनेगा, जैसे इनसाइड का ब्रेकडाउन देगा, इनसाइड का हाई कैसल रखेंगे, लोअर साइड में शॉर्ट करेंगे, ट्रेड हमारे लिए अच्छा मिलेगा। तो जितने सारे स्टॉक आप कल देखेंगे इस पैटर्न में ज्यादा शॉर्ट हो सकते हैं, बाई नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा मार्केट बेरी से, तो ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा वो ट्रेड अच्छा होगा, तो इस बिलो सेल करेंगे। पहला टारगेट हमारा होना चाहिए 3090 का, इसके बाद 3080 का भी टारगेट, मतलब 3070 तक का भी टारगेट मिल सकता है, तो इसे आप नजर रखिएगा, टारगेट अच्छा हो सकता है एशियन पेंट में। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों ये है LNT, इसे नजर रखिए, इसमें हम लोग पुट बाइंग करेंगे और स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लीजिएगा लोअर साइड का, इसका चार्ट क्यों थोड़ा स्लो आता है, इसमें स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करिएगा 2160 या 2180 का, दोनों में से जो भी स्ट्राइक प्राइस मिले इसे हम लोग सेलेक्ट करके रखेंगे, वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा आप लोगों को कौन से लेवल में हम लोग पुट बाइंग कर सकते हैं, ट्रेड अच्छा हो जाएगा, और जहां हम लोग पुट बाइंग कर सकते हैं आप कैश में भी शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हो, तो नजर रखिएगा इस स्टॉक में शॉर्ट हो जाएगा, बढ़िया कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, बेरिश इंगल्फिंग बना है, कंटिन्यू में इसे नीचे जाना चाहिए और एक ओवर बॉट जोन में भी है, तो शॉर्ट का ट्रेड अच्छा है और आने वाले दिनों में 2150 की तरफ आना चाहिए डेली चार्ट पे।
तो कल हम लोग इस स्टॉक में शॉर्ट करेंगे। और देखिए बढ़िया लेवल में है, इसी भाव के नीचे जाएगा, इमीडिएट शॉर्ट हो सकता है, पर अगर थोड़ा ऊपर भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, मतलब 2180 के आसपास मिल जाता है, तो इसी भाव से पुट बाइंग कर सकते हैं और कैश में भी सेल कर सकते हैं। लोअर साइड के इंट्राडे का टारगेट इधर आना चाहिए, मतलब लोअर साइड में 2150 की तरफ इसमें गिरावट आना चाहिए। तो अगर 2180 के आसपास या 2170 के आसपास पुट बाइंग कर सकते हैं तो मुझे लगता है 7-8 पॉइंट कैसे रखना पड़ेगा और 10-12 पॉइंट का आपको टारगेट पुट में भी मिल जाएगा। और अगर आप कैश या फ्यूचर में ट्रेड डालते हैं तो कम से कम 20-22 रुपए का भी टारगेट डाउन साइड में मिल सकता है। तो ऐसा लॉजिक होना चाहिए। कल आप वॉच लिस्ट में रखिएगा एलएनटी को। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों ये है एसर मोटर, ये भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन दे रहा है, मुझे लगता है अच्छा गिरावट मिल जाएगा कल। तो देखिए 200 EMA के आसपास आना चाहिए और 3100 की तरफ इसमें गिरावट आना चाहिए। तो जैसे ब्रेकडाउन करेगा, जैसे यहाँ ब्रेकडाउन किया, अच्छा गिरावट आया, अगेन ये ब्रेकडाउन देगा तो लोअर साइड में एक अच्छा गिरावट हमें मिल सकता है। राउंड फिगर के लेवल के आसपास है, 3300 के बिलो जैसे जाएगा सेल का ट्रेड बना सकते हैं, राइट। तो 15 मिनट के चार्ट कन्वर्ट करता हूँ इसे मैं। देखिए जैसे ब्रेकडाउन देगा हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट करेंगे 3300 के बिलो सेल करेंगे, एक स्टॉप लॉस डालेंगे इसमें 25-30 पॉइंट का, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनेगा तो 3330 का स्टॉप लॉस डालेंगे और लोअर साइड का टारगेट भी अच्छा मिलना चाहिए एसर मोटर में। तो मुझे लगता है 3260 3250 के आसपास के इंट्राडे में टारगेट बन जाएगा तो ट्रेड अच्छा हो सकता है। तो नजर रखिएगा एसर मोटर में। इन स्टॉक्स का भी देखिए अगर बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो इमीडिएट ट्रेड नहीं डालना है, लेवल पहले वेट करना है, ठीक है। जैसे एक गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो ऊपर से बेरी से, तो ऊपर से जो भी रेड कैंडल मिलेगा सेम रेड कैंडल में शॉर्ट कर सकते हैं जितने भी स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं। थोड़ा अगर गैप अप मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर मिल जाएगा तो ट्रेड अच्छा रहेगा। इन चारों पांचों स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रखिएगा, ट्रेड मॉर्निंग में अच्छा आ सकते हैं और प्री ओपनिंग सेशन में देखिएगा कहाँ पर ये सेटल हो रहे हैं, तो उन स्टॉक को पहले प्रीफर रखना है जो ऊपर में ओपन होगा, ओके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।